बड़ी खबर के साथ सिरसा से आ रही, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का बयान आया है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी, तंवर का बयान आया है। इनेलो पर जमकर निशाना भी साधा है। इनेलो खत्म हो चुकी है, बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। हमने अपने कार्यकाल में 45,000 करोड़ का विकास करवाया, सिरसा फतेहाबाद में बीजेपी ने कोई विकास नहीं करवाया। अरविंद शर्मा के भाजपा में शामिल होने पर तंवर ने चुटकी ली है कि वो हमारी पार्टी में आना चाहते थे लेकिन हमने उन्हें शामिल नहीं करवाया, तंवर साफ तौर पे कहना है। एक ही प्लानिंग है कि किस तरीके से प्रदेश की जनता को, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान, जो पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की मोदी और खट्टर सरकार से त्रस्त है, उनको कैसे इनके चुंगल से निकाला जाए, बचाया जाए। और देश भी यही चाहता है, प्रदेश भी यही चाहता है, और वो आने वाले समय में दिखेगा। बाकी हम लोगों की बूथ कमेटियाँ और जो संगठन का मामला है वो सारा पूरा तैयार है। जनता भी चाहती है, नेता भी चाहते हैं, और सब लोग, मैं समझता हूँ कि अब चुनावी मैदान में सारी पार्टियाँ, अब तो 12 तारीख का इंतजार है लोगों को कि 12 मई जल्दी से जल्दी आए और 10 की 10 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी को जिता करके अगला देश का। सतराम सिंह हमारे साथ खबर जुड़ चुके हैं। सतराम, साफ तौर पर देखा जाए तो तंवर का यह बयान देना, ये कहना कि हम तो 10 सीटें जीत रहे हैं, कितना लगता है, कितना वाजिब इनका बयान देना, क्या सोचकर तंवर बोल रहे हैं? सतनाम हमारे जुड़ चुके हैं। सतनाम, साफ तौर पर देखा जाए तो अशोक तंवर का एक कहना, इतने कॉन्फिडेंट होकर और अरविंद शर्मा पर यह बयान देना, कितना वाजिब है? देखिए, कल भी उनसे इस बारे में बात हुई थी, जब अरविंद शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनका कहना था कि कल तो उनका ये कहना था कि किन परिस्थितियों में वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है उस पर वो कुछ नहीं कह सकते। आज जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर गए हैं और दोबारा से कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे थे लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें मना कर दिया गया, तो अब तो बीजेपी में वो शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो अशोक तंवर है वो उनका यही कहना है कि पार्टी मजबूत है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा दूसरी पार्टियों में भी भगदड़ मचेगी, इनेलो से भी और भाजपा से भी लोग जो है कांग्रेस में शामिल होने के लिए आएंगे, और जल्द ही जो इस बात का भी खुलासा होगा कि बड़े नेता जो कांग्रेस में शामिल होंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी बहुत शुक्रिया आपका सतनाम।